बीजेपी ने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को हटाकर डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन उनके लिए सरकार को चलाना इतना आसान नहीं है। शिवराज सरकार की योजनाएं अब मोहन सरकार पर बोझ बनने लगी है। हालांकि उन्होंने ये तो साफ कर दिया कि पुरानी सरकार की योजनाएं बंद नहीं होंगी, लेकिन इसे चलाना इतना आसान नहीं होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार कर्जे में है, हर महीने करीब 4000 करोड़ चाहिए। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। मोहन यादव की परेशानी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। शिवराज सरकार लगभग 3.5 लाख करोड़ कर्ज छोड़कर गई है। सरकार ने विधानसभा चुनाव में 5000 करोड़ कर्ज लिया, अब सरकार को हर महीने 4000 करोड़ का कर्जा लेना पड़ रहा है। सरकार पर सबसे ज्यादा बोझ लाडली बहना योजना को चलाने में आ रहा है। मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनते ही 2000 करोड़ का कर्ज लिया है, अब सरकार के ऊपर हर महीने इतनी भारी भरकम कर्ज लेने का दबाव होता है। ऐसे में मोहन यादव के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचते। एमपी की नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती लाडली बहना योजना को चलाना है, जिसका लाभ करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को मिलता है। ये वही योजना है जिसने एक ही झटके में कांग्रेस के सत्ता में लौटने के सपने को चकनाचूर कर दिया था। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लिहाजा मोहन सरकार इसे हर हाल में चलाना चाहेगी, क्योंकि बात सिर्फ 1.25 करोड़ लाडली बहनों की नहीं, उनके परिवार के बाकी लोगों की भी है जो कई करोड़ है। ऐसे में सरकार इस योजना को हर हाल में चलाएगी। अब अगर बात करें शिवराज सिंह की, तो वो लाडली बहना को लखपति बनाने का सपना अभी भी दिखा रहे हैं। उन्हें पता है कि इस योजना ने जनता पर गहरी छाप छोड़ी। शिवराज सिंह चौहान पूर्व सीएम मध्य प्रदेश के हैं। आपको जानकारी दे दें, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश को चाहे जैसे चलाएं, शिवराज से पीछा तो छूटेगा नहीं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम हैं। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश को चाहे जैसे चलाएं, शिवराज से पीछा तो छूट गया, लेकिन उनकी योजनाओं से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं होगा।